हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन रिसर्चर। और फ्रेंड्स, आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरे में से एक इंसान को ये प्रॉब्लम है आज के डेट में, और इसका नाम है नाइटफॉल। यानी रात को सो रहे हैं, सोते सोते वीर्य निकल गया, कभी पता चलता है, कभी कभी पता नहीं चल पाता, कभी सपने गलत आते हैं जिसकी वजह से ये होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चला, जब सुबह उठे तब पता चला कि नाइटफॉल हो चुका है, वीर्य निकल चुका है। इसे स्वप्न दोष भी कहते हैं, यानी जब सो रहे हैं सोने की अवस्था में वीर्य का निकलना। ये प्रॉब्लम कॉमन है, अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी क्या क्या वजह है ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम टच करेंगे। और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर करें, हो सकता है कोई और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो लेकिन बता नहीं पा रहा, तो ये वीडियो देख के उसको इन्फॉर्मेशन मिले और वो ठीक हो जाए। तो वीडियो को शेयर करना भी ज़रूरी है, वीडियो पूरी देखनी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जब तक पेट गड़बड़ रहेगा, पेट में गर्मी रहेगी, डाइजेशन सही नहीं है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम बनी रहेगी। बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं पेट को ठीक करने की, और बहुत ही ज़्यादा असर है इस चिपचिपे पानी का या नाइटफॉल की परेशानी का दिमाग के ऊपर। आप दवा के बारे में पूछना चाहते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने उन दवाओं के बारे में बताया था जिनका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। दवाएं कौन कौन सी बताई थी? एक सफूफ मुकवी, एक दवा बताई थी मुल्कीज, और एक बताई थी सीमन फोर्ट। अब मैं आपको इनका फ़र्क भी बता देता हूँ। सफूफ मुकवी जिन वो लें जिनको पानी आने की प्रॉब्लम है, लगभग 6 महीना 1 साल 1.5 साल से उनको प्रॉब्लम है, और कमज़ोरी भी रहती है, धात की परेशानी है, पेट गड़बड़ रहता है, और हेयर फॉल है, उनके लिए सफ़ू मुकवी बढ़िया दवाई है। मुल्कीज सफ़ू मुकवी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिनकी परेशानी थोड़ी पुरानी है, ये चिपचिपा पानी, नाइट फॉल, ये सारी परेशानी थोड़ी पुरानी है, वो उनके लिए मुल्कीज बेहतर रही है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। और जिनको तनाव की भी दिक्कत है, पिल्लिंग में तनाव कम हो गया है या छोटा हो गया है, या टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई है, पानी भी आता है, किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो चिपचिपा पानी आने लगता है, और टाइमिंग कम हो चुकी है, उन लोगों के लिए, और वीर्य जिनका बिल्कुल पतला हो गया है, उनके लिए सीमन फोर्ट बहुत शानदार दवा है। तो इस चीज़ का फ़र्क हमें ध्यान रखना है कि अगर गर्मी है मसाने में, पेशाब पीला आ रहा है, चिपचिपा पानी ज़्यादा आ रहा है, तो आप सफ़ूफ मुकवी या मुल्कीज इससे शुरू करें ताकि गर्मी ख़त्म हो, उसके बाद ही फिर सीमन फोर्ट पर जाएं। और अगर पानी की प्रॉब्लम मैनेजेबल है, कम आता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, कम आता है, लेकिन कमज़ोरी है शरीर में, लिंग का तनाव कम हो गया है, लिंग टेढ़ा हो गया है, साइज छोटा हो गया है, आँख बंद करके सीमन फोर्ट जिन्होंने ली है बहुत अच्छे, उनके लिए सीमन फोर्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। वो वीर्य को गाढ़ा करा है, तनाव जो उनका जा चुका था वो वापस आ गया, और जिस तरह का जोश 18 साल की उम्र में था या 16 साल की उम्र में था, सेम वही कंडीशन उनकी वापस आ गई। किसी ने 2 महीने लिया, किसी को 3 महीने में लेना पड़ सकता है, डिपेंड करता है परेशानी कितनी पुरानी है, कितनी सीवियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उन सवालों को लिखें, अपना नंबर भी दे सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करेंगे। तो आप कॉल करके डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी आपके दिमाग में बात है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, किस नए टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो देखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास में अभी नहीं है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। खैर, अब हम डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों है या कहाँ से शुरू होती है।
तो देखिए, सच बोले तो जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है या सस्ता हुआ है, फोन का एक्सेस बढ़ा है लोगों के पास में, तब से ये परेशानी बहुत तेजी से बढ़ी है। क्योंकि अब सारी चीज डिजिटल है, हर तरह की वीडियो, हर तरह का ऑनलाइन मटेरियल आपके पास में व्हाट्सएप से या फिर वेबसाइट से आपको आसानी से एक्सेस हो जाता है। तो किसी के भी हाथ में स्मार्टफोन होगा, वो ये इस तरह की वीडियोस, पॉर्न वीडियोस या इस तरह के फोटो या इस तरह का कंटेंट आराम से देख सकता है। अब इसमें कोई एज लिमिटेशन तो रही नहीं, फोन आजकल सबके पास में है, चाहे वो 14 साल का बच्चा है, चाहे वो 18 साल का एडल्ट है या फिर और ज़्यादा उम्र का है, सबके पास में ये फ़ोन का एक्सेस हो गया। कंटेंट सेम है जो उसमें दिखा रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस, वो सबके लिए कॉमन है, और इसी की वजह से ये परेशानी बढ़नी शुरू हुई है नाइटफॉल की। इसको देखकर हंस मैथुन की आदत पड़ी, वो करते करते नसें कमज़ोर हो गई लिंग की और नाइटफॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब ये तो एक वजह है, उसके अलावा दूसरी बहुत ही कॉमन वजह है, अगर जिसको भी ये परेशानी है वो खुद ध्यान दें इस चीज़ पे कि उनके साथ ऐसा है या नहीं है। पेट की प्रॉब्लम 100% हो जाती है, या तो पेट का डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, या पेट में गर्मी रहेगी, पेशाब पीला आता है, कब्ज की परेशानी रहती है, यानी पेट साफ एक बार में सही नहीं होता, किसी को दो दो तीन तीन बार जाना पड़ता है, किसी को गर्मी की कई वजह हैं पेट में, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और आपका जो खाना आप खा रहे हैं उसमें तेज़ मसाले भी हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है। तो पहली चीज़ हमें यह ध्यान देना है कि अगर नाइट फॉल की प्रॉब्लम कॉमन है, अगर हमारे साथ में 3-4 दिन में 5 दिन में या हफ्ते में एक बार भी नाइट फॉल हो रहा है, तो क्या हमारा पेट ख़राब है? अगर हमारा पेट ख़राब है तो हमें सबसे पहले उस पर काम करना है, उसको ठीक करना है। दूसरा पॉइंट, नाइट फॉल की प्रॉब्लम है तो वीर्य बिल्कुल पतला आ रहा है या गाढ़ा है, इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वीर्य की कमी भी है बॉडी में और मसाने में गर्मी भी बढ़ चुकी है। और रीज़न कॉमन है वही हस्त मैथुन करने का, या पॉर्न वीडियोज़ देखना, गलत वीडियोज़ देखना, इन सब की वजह से ये सारी कनेक्टेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अभी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं नाइटफॉल, तो हम उसी टॉपिक पर रहेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करा जाए। तो पहली चीज़, जैसा मैंने बताया कि आपको डाइजेशन अपना ठीक करना है, खाना ठीक करना है, मांस मच्छी अंडा और ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम या अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं फिलहाल सबसे पहले इन्हें बंद करें, तो पेट पर लोड कम पड़ेगा, डाइजेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, पानी आपको 3-4 लीटर रोज़ पीना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि अगर नहीं पिए तो क्या करें, अगर हम नहीं पी सकते, पीना तो है ही 3-4 लीटर पानी, क्योंकि आप कोई भी दवा खा रहे हैं, चाहे आप मसाने की गर्मी निकालने की दवा खा रहे हैं या फिर आप पेट ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, कोई भी दवा आप ले रहे हैं या दवा नहीं भी ले रहे, गर्मी वैसे भी है शरीर में, वो टॉयलेट के जरिए ही निकलेगी। जब तक आप पानी नहीं पियेंगे टॉयलेट कम आएगा तो गर्मी स्टोर्ड रहेगी बॉडी में, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो पहली चीज़ जो आपको पीला पेशाब आता है वो बंद हो जाएगा, पानी पीने से पेशाब सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा साइन है, आपकी किडनी गुर्दे आपकी किडनीज बिल्कुल सही फंक्शन करेंगी। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ होते हैं, तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स बॉडी में हैं वो सब निकलेंगे और शरीर से गर्मी निकलनी शुरू होगी। अब बहुत से लोगों का कहना है कि अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं, पेशाब ज़्यादा करते हैं, तो पेशाब के साथ में एक चिपचिपा पानी भी निकलता है, स्टिकी लिक्विड निकलता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है। तो देखिए, जिन लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है उनके साथ चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम भी अक्सर हो जाती है, और इसका रीज़न भी कॉमन है, मसाने की और पेट की गर्मी। अब हम बार बार मसाने की गर्मी और नाइट फॉल और चिपचिपे पानी डिस्कस कर रहे हैं, इनका रीज़न भी हम कॉमन बता रहे हैं, तो इनकी दवा, क्या दवा भी कॉमन होगी? इसका जवाब है यस,
दवा भी कॉमन है, और दवा लेने से पहले जो आपको बेसिक इलाज करना है वो भी कॉमन है। सबसे पहली चीज़, अगर गर्मियों का टाइम है, सर्दियां नहीं हैं, तो आप दोपहर में दही ज़रूर खाएं। जब आप खाना खाएं उसके साथ में दही ज़रूर खाएं। दही प्रोबायोटिक होती है, आंतों को साफ़ करती है, पेट को ठंडा रखती है, लोअर एब्डोमेन को ठंडा रखती है, मसाने की गर्मी ख़त्म करती है, और डाइजेशन तो बहुत अच्छा हो जाता है दही खाने से। आप चीनी ना डालें दही में, सिर्फ दही लें। अब मेरे पास में कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दही नहीं मिलती, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दही वाले से ही या डेयरी से दही लेकर आएँ। पैकेट में भी मिलती हैं, आप कन्फेक्शनरी से या किसी भी जनरल स्टोर से एक दही का पैकेट आप ले सकते हैं। खाना खाते टाइम आप उसको साथ में ज़रूर लें। जब आप पैकेट ख़रीदें उस पर डेट देख लें कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, अगर एक्सपायरी डेट नहीं है, फ्रेश दही है, आप ला के यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत खटास भी है दही में, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ करनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि पानी ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना है आपको। टॉयलेट ज़्यादा आएगा करिए, मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। अगर आपको 15-15 मिनट में, आधे घंटे में टॉयलेट लग रहा है, पानी आप रेगुलर उतना ही पीते रहिए, आपकी जब गर्मियाँ निकलनी शुरू होगी तो टॉयलेट बार बार आना भी ख़त्म होता चला जाएगा। एक ही बार में आएगा, खुल के टॉयलेट आएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है पानी पीना। तीसरा पॉइंट आता है, खाने के अंदर क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जैसा बताया, मांस मच्छी अंडा ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ टाइम इनका परहेज रखिए, गर्म चीज़ों का थोड़ा सा परहेज रखिए। मसाले भी आप नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं उतने ही खाएं, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों की चीज़ें अवॉइड करें। बाज़ार में खा रहे हैं या आप अलग से कुछ बना रहे हैं, नई डिश ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करें कि हल्का मिर्च मसाला हो। बाज़ार की चीज़ें कुछ टाइम बंद भी कर दें तो आप ही के लिए बेहतर है। अच्छा, ये डाइट की हमने बात कर ली, इसके अलावा एड ऑन क्या लें, अलग से और क्या क्या चीज़ें लें, क्योंकि जिनमें नाइट फॉल की चिपचिपा पानी की परेशानी है, मसाने में गर्मी है, उनके साथ में कमज़ोरी बनी रहती है शरीर में, काम करने का मन नहीं करता, उठा नहीं जा रहा, हड्डियों में से कटकट की आवाज़ आ रही है, कभी कभी आंखों में धुंधलापन भी रहता है, साफ नज़र नहीं आ रहा, चिड़चिड़ापन है, नींद सही नहीं आती है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ में लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं, और उन्हीं के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खैर, डॉक्टर के पास में बहुत से लड़के जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें चिपचिपा पानी आता है, इसका क्या इलाज है, वो कह देते हैं ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो किसी को भी आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ना कोई इस चीज़ का टेस्ट है कि टेस्ट के अंदर पता चल जाए क्या बीमारी है। जब बीमारी ही नहीं मानते इस चीज़ को, तो उसका कोई इलाज भी ऐसा उनके पास नहीं होता। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी पेशेंट ने ये बात बताई हो कि एलोपैथी मेडिसिन खाने से उसकी ये चिपचिपा पानी की या नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स ठीक हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिशियंस को न्यूरो डॉक्टर के पास में, न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, उनके पास रेफ़र कर देते हैं पेशेंट को कि ये मानसिक प्रॉब्लम है आपको, फिर उनके दिमाग की दवाइयाँ शुरू होती हैं, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। आखिर में या तो वो थक जाता है इलाज कराते कराते, या फिर वो इसी परेशानी के साथ जीना सीख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा असर है इस चिपचिपे पानी का या नाइटफॉल की परेशानी का दिमाग के ऊपर। जब लिंग में की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, वीर्य पतला हो जाता है, तनाव अच्छा नहीं आ रहा, तो लड़के किसी भी लेवल तक सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आप यकीन करें, मेरे पास में कॉल्स आती हैं, वो ये तक कहते हैं कि अब हमें ज़िंदगी से प्यार ही नहीं रहा, ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, इस लेवल तक उनके दिमाग पर असर होता है। तो अगर आप भी इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो याद रखें ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है, कितनी भी पुरानी हो, चाहे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल पुरानी हो, बिल्कुल ठीक हो जाती है। शर्त यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले, ये इतना हिस्सा वीडियो का और ज़्यादा ध्यान से सुने, सुबह उठकर सबसे पहले आप गुनगुना पानी पिए। गर्म पानी या गुनगुना पानी पीने से पेट साफ होता है, आंतों के अंदर जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है,
कब्ज की परेशानी खत्म होती है। तो जब तक आपकी आंतें आपका पेट साफ नहीं है, आप कोई भी दवा खा लें असर नहीं करेगा, चाहे वो महंगी है या फिर आपने अलग से कोई फॉर्मूला तैयार करा है या कहीं से मंगाई है, कोई दवा असर नहीं करेगी जब तक आपका पेट ठीक नहीं है। तो पहली चीज पेट के ऊपर काम करना है। बार बार मैं इस टॉपिक को कह रहा हूँ आपसे, कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने कोई दवा नहीं खाई, सिर्फ पेट ठीक कर लिया, आपका नाइटफॉल बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर कोई दवा खाने से आपको नाइटफॉल हो रहा है, आप उस दवा को शाम के टाइम या रात के टाइम खाना रोक देना। आयुर्वेदिक दवाई की बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक दवाई के अपने कोर्सेज हैं, वो डॉक्टर बताएगा कि किस तरह से उनको दवा लेनी है और कब रोकनी है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक दवाई कोई आप ले रहे हैं, कोई चूर्ण ले रहे हैं या कोई आपने तैयार करी है दवा, उससे गर्मी हो रही है, आप उसकी डोज हल्की कर दें या रात के टाइम उसको ला लें, तो भी आपका नाइटफॉल कंट्रोल में हो जाएगा। बार बार वही बात है, पेट पे ध्यान देना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है। इसके बाद बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। आप MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये डॉक्टर की फीस है, उसके बाद में टेस्ट लेके जाते हैं, 1000 के भी हो सकते हैं, 3000 तक भी टेस्ट हो सकते हैं, इसके बाद में दवाइयाँ लिखी जाएंगी जो फिर 1-1.5-2000 रुपये की आ सकती हैं। टोटल 4-5000 का पैकेज आपका हो जाता है, तब आपका इलाज शुरू होता है। अगर आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दें तो आपका 10% भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आप सेब शुरू करें, सुबह को टॉयलेट से आने के बाद में सेब लेकर आए, आधा सेब खाएं, पूरा नहीं खाया जा रहा आधा खा लें, आधा भी नहीं खाया जा रहा 1/4 खाएं। उसके 15-20 मिनट बाद में आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा अगर लेते हैं तो ले सकते हैं, या अपना आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता करेंगे, लेकिन फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी है। सेब खाइए, फाइबर होता है सेब में, पेट को साफ करता है। दोपहर के टाइम जब आप खाना खाएं, अगर आप में वीकनेस है, कमजोरी रहती है, वजन कम है, तो आप 15 मिनट पहले कोई भी फल खा लें। आप मौसमी थोड़ा सा खा लें, मौसमी का जूस पी लें, थोड़ा सा पपीता खा लें, कोई भी फ्रूट आप थोड़ा सा 15 मिनट पहले ज़रूर लें, उससे भूख खुल के लगती है। और जब भूख अच्छी लगेगी तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, आप वेट गेन करना शुरू करेंगे, ताकत आनी शुरू होगी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम्स को किस तरह से इन्हें ठीक करा जाए अपनी डाइट को चेंज करके। आप दवा के बारे में पूछना चाहते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने उन दवाओं के बारे में बताया था जिनका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, Amazon पर भी है, वहाँ पर उनके आप यूज़र रेटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग दी है लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल करा है, और 7-10 दिन के अंदर उनको रिजल्ट्स मिल गए हैं। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 85% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब 15% कौन है जो ठीक नहीं होते, जो पेट पर ध्यान नहीं देते, फ्रूट्स नहीं खाते, पानी कम पीते हैं और टाइम से दवा नहीं लेते हैं। ये वो 15% लोग हैं। उसके अलावा 85% लोगों को 100% आराम मिला है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस करा है और क्या करना चाहिए। हमने डिस्कस करा है नाइटफॉल, चिपचिपा पानी, दांत, लिंग की कमजोरी, नसों की कमजोरी को कैसे ठीक करा जाए। नाइटफॉल के लिए पेट को ठीक रखना ज़रूरी है, पेट में गर्मी नहीं रहनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है, दही खानी है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं लेनी, और डाइजेशन ठीक रखना है, हल्का खाना खाना है, फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, जब भी मौका मिले आप फ्रूट्स खाएं, दिन में पानी 3-4 लीटर आपको पीना है, और मांस मच्छी अंडा और ड्राई फ्रूट्स का परहेज करना है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ मैंने आपको बता दी, आप इसी को यूज़ करें, आपको फ़र्क 3-4 दिन में दिख जाएगा। और जिनको कब्ज़ रहता है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, देख इसीलिए मैंने कहा, जिनको कब्ज़ की परेशानी है, पेट साफ नहीं होता, इसबगोल आता है, इसबगोल मेडिकल स्टोर पर जाइए, जाकर बोलिए इसबगोल का डिब्बा चाहिए, इसबगोल की भूसी आती है, रात को सोते टाइम एक गिलास गर्म पानी में आधा या 1 चम्मच इसबगोल डाल के पी लें, और सुबह उठती सबसे पहले गर्म पानी करके उसमें आधा 1 चम्मच इसबगोल डाल के पी लें। जब तक आप कोई दवा नहीं ले रहे तब तक आप इसको शुरू करें। इसबगोल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है, एकदम ठंडा कर देता है, आपको 3-4 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि इसबगोल 10-12 दिन यूज़ करके कम करना शुरू कर दें और 1 हफ्ते में फिर जाकर बंद कर दें, क्योंकि इसकी भी आदत पड़ जाती है, फिर इसके बिना आपको परेशानी बनेगा, पेट साफ नहीं होगा।
तो ये कुछ कॉमन चीजें मैंने आपको बता दिया, दवाइयों के नाम भी मैंने बताए जिनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, सफो मुकवी, मुल्कीज और सीमन फोर्ट, जिनको मसाने में गर्मी की प्रॉब्लम है, पीला पेशाब आता है, टेंशन रहती है, हड्डियों में से आवाज आती है, कमजोरी रहती है, वो सफो मुकवी या मुल्कीज ये लें। और जिनको वीर में पतला है, तनाव की कमी है, पानी भी आता है, फोन पे बात करते हुए भी पानी आता है, किसी का हाथ लग जाए तो उनको पानी आना शुरू हो जाता है, उनके लिए सीमन फोर्ट का रिजल्ट बहुत शानदार देखा गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये ऐसी परेशानियां हैं जो हर कोई नहीं किसी से डिस्कस करता है, वो हो सकता है चुपचाप वो इंसान ये वीडियो देखे, उसकी समझ में आए कि उसको क्या करना है, कैसे ठीक होना है और वो ठीक हो जाए, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और वो हो सकता है आपको आके पर्सनली थैंक यू भी बोलें। इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करना है आपकी मर्जी, पसंद आया है प्लीज लाइक करें, पसंद नहीं आई है मत करिए लाइक, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और आज के लिए इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी स्टे फिट।